का 1, 2, 3 बताए थे, और आज इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कहना चाहते हैं कि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स लिखो, क्या अच्छा हो खराब हो जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसका जवाब भी देंगे। तो नंबर 4th क्वेश्चन है, ए कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2 एंड एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एस्प्रेसो। कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करता है एस्प्रेसो 4 के प्रेजेंस में। द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KNO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज इन दिस रिएक्शन। और अल्कोहल का अल्कलाइन KNO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने के बाद फिर उसका एसिडिफिकेशन करने के बाद सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। गिव द नेम स्ट्रक्चर, तो नाम लिखिए और उसका फॉर्मूला लिखिए। नंबर ए में कार्बोक्सिलिक एसिड का, नंबर बी में अल्कोहल का और नंबर सी में कंपाउंड एक्स का। और आल्सो राइट द इक्वेशन रिएक्शन में लिखिए। आंसर है तुम्हारा जब कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2 इज एसिटिक एसिड हो या यूपिक नेम में उसका इथेनोइक एसिड हो, इट इज इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3COH होता है। द अल्कोहल इज CH3CH2OH ऑफ द इथाइल अल्कोहल है बिकॉज इट गिव्स सेम इथेनोइक एसिड, क्योंकि यह समान इथेनोइक एसिड देता है जब इसका अल्कलाइन KNO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो देखो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन KOH और KNO4 के प्रेजेंस में यही चीज एसिटिक एसिड दे दिया, जो ये फॉर्मूला है हमारा। द कंपाउंड एक्स इज इथाइल इथेनोइक, यह किस्टर है जिसको इथाइल एसिटेट के नाम से जाना जाता है, और यह रिएक्शन के द्वारा एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स इथाइल इथेनोएट एंड वाटर। ए बी सी जो तुम्हारा कंपाउंड है, ए में तुम्हारा CH3COH एसिटिक एसिड, बी में तुम्हारा CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, और सी में तुम्हारा CH3COOCH2CH3 ये इथाइल एसिटेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये ए बी सी डी 4 कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप को लिखना है। तो कंपाउंड के साथ राइट साइड में ही उसका आंसर लिख दिया है, ये तुम्हारा कीटोन ग्रुप हो गया, यहाँ तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो उसके साथ उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा, हाउ इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल। इथीन को इथेनॉल से कैसे प्रिपेयर कीजिएगा, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट, इसमें जो रिएक्शन होता है उसको दर्शाइए। इथीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। मतलब क्या कि इथाइल अल्कोहल को जब 443 केल्विन टेम्परेचर पर कॉम H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, इथीन बनता है और वाटर रिलीज होता है। दिस वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द कॉम H2SO4 बिकॉज कॉम H2SO4 इज ए वाटर एब्जॉर्बर। तो आज इतना ही बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड नाइट।